नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कोरियन कुजीन जिसे हम गिम्बाप किम्बाप बोलते हैं और सुशी रोल भी इसी के जैसे होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिए हैं। आधा कप मैंने स्टिकी राइस लिए हैं, आप चाहे तो नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह का होता है ये राइस, मोटा मोटा होता है थोड़ा सा। थोड़ा सा मैंने येलो कैप्सिकम लिए हैं और थोड़ा सा रेड। थोड़ा सा मशरूम को पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं। थोड़ा सा गाजर और खीरा भी लंबे लंबे शेप में काट लिए हैं। आप इसमें सब्जी अपने पसंद का भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा चीनी मैंने लिए हैं इसमें यूज करने के लिए, चीनी पाउडर है ये। सेसमी ऑयल मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच यानी तिल का तेल। राइस विनेगर 1 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच और थोड़ा सा मैंने ड्राई बेजिल लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें हटा भी सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये राइस को पकाना होगा, तो मैंने पहले से ही पका कर रखे हैं वो ले लेते हैं और इन्हें हटा देते हैं। तो देखिए ये राइस सॉफ्ट है, इस डिश के लिए हमें सॉफ्ट राइस ही चाहिए। तो इसी तरह का राइस आप बनाइएगा। यदि आप नॉर्मल चावल से बना रहे हैं तो पहले के आप अच्छा थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखिएगा पकाते समय, तो सॉफ्ट बनेगा इसी तरह से। तो अब गिम्बाप बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने राइस विनेगर रख लिए हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच चीनी पाउडर रखते हैं। मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये राइस अब तैयार है। और हाँ, इस डिश के लिए एक और चीज चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है नूरी, इसे सी विड शीट भी बोलते हैं। इस दोनों नाम से आप बाजार में खोजेंगे तो मिल जाएंगे, आसानी से ये मिल जाते हैं किसी सुपरमार्केट वगैरह में। तो इस तरह से का होता है, एक तरफ रफ होता है और एक तरफ शाइनिंग पार्ट होता है इसका। और ये है सुशी रोलिंग मैट, इससे आसानी होगी हमें ये रोल करने में। और ये नहीं हो तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो तो आसानी हो जाती है और भी रोल करने में। तो अब चलिए हम सब्जी को थोड़ा सा भून लेते हैं। सॉरी गाइज, इस वक्त कैमरा में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी मैं मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी फर्क आएगी। इसमें पहले सेसमी ऑयल डाले हैं और ये येलो कैप्सिकम डालकर इस तरह से हल्का भूनेंगे। और रेड कैप्सिकम मैंने भूनकर निकाल लिए हैं। थोड़ा सा इसमें नमक और चीनी डालेंगे और थोड़ा सा विनेगर, और थोड़ी देर चला लेंगे। विनेगर डालने के बाद बहुत देर तक हम नहीं भूनेंगे सब्जियों को। अब इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी सब्जियों को हम भूनकर अलग अलग रखेंगे। इसमें थोड़ा सा बेजिल डाल लेते हैं। तो हमने सारी सब्जियों को भूनकर निकाल लिए और खीरा को हम ऐसा ही रखेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी डालकर मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब सेम पैन में हम 1 चम्मच सफेद तिल को भून लेंगे, थोड़ा सा हल्का रोस्ट करेंगे। इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब हमारे सारे चीज तैयार है सुशी रोल बनाने के लिए। तो अब हम इन्हें रोल करते हैं। तो ए नूरी जिस साइड से रफ होते हैं उस साइड से हम इसमें सारे सब्जियां और राइस रखेंगे। और ए शीट रेक्टेंगल में होते हैं, तो जिस तरह से लंबा हो उस साइड से अपने तरफ रखिएगा। और पहले इस तरह से हम राइस रखेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर इसे चारों तरफ हम फैलाएंगे। हाथों में पानी लगाने से राइस हाथों में चिपकेंगे नहीं, इसीलिए।
अब हम इनके ऊपर सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले हम मशरूम डालते हैं, बीच में डालेंगे मशरूम को। इस तरह से हम सब्जी डालेंगे। अब इनके ऊपर खीरा डालते हैं। सारे सब्जियां हम इसी तरह से लगाएंगे इनके ऊपर। तो अब सारे सब्जियां रख लिए, अब इन्हें हम रोल करते हैं। तो देखिए इस तरह से करेंगे रोल, इस तरह से इसे टाइट करके इसे रोल करेंगे। और थोड़ा सा पानी उंगली में लगाकर इनके साइड में लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से लास्ट में चिपके। और इस तरह से रोल करने के बाद में हम मैट को इस तरह से अगारी बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से फिर एक बार हम इस तरह से टाइट करके रोल कर देंगे ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अब हम मैट को निकाल लेते हैं और देखिए एक कितना अच्छा रोल बना है। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे ब्रश की सहायता से, जिससे इसके ऊपर थोड़ा सा शाइन आ जाएंगे। और तिल इसके ऊपर डालेंगे तो चिपकेंगे। और ये तिल का तेल है जो हम लिए थे नाप कर पहले। अब हम इनके ऊपर ब्रश की ही सहायता से चारों तरफ तिल लगा लेंगे। तो अब ये रोल तैयार है काट कर सर्व करने के लिए। तो इन्हें काटने के लिए हमें शार्प नाइफ चाहिए जिससे अच्छे से ये कटे। तो अब हम इन्हें करीब 1 इंच के पीस में काटेंगे और इस तरह से इन्हें काटिएगा रेतते हुए, ना कि जिस तरह से हम सब्जी काटते हैं उस तरह से। इसी तरह सारे रोल से हम पीस बनाकर तैयार करेंगे। तो अब सारे काट कर तैयार कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। तो मैंने सर्व कर लिए हैं इन्हें, और जिस तरह से कोरियन डिश बनाए जाते हैं उसी तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। यदि आप चाहे तो अपने फ्लेवर में इसमें कोई मसाला ऐड कर सकते हैं। और गिम्बाप को सोया सॉस के साथ सर्व किए जाते हैं। आप चाहे तो इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये रेसिपी आज मेरी बेटी बनाई है क्योंकि इसे बहुत पसंद है ये। तो आप ये रेसिपी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, उसी से आपको मिलेगी मेरी डेली अपडेट। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।